नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का, आपको मैं बता दूं कि आप करोड़पति बेहद ही जल्दी बनने वाले हो। आपकी किस्मत कुछ सोने की तरह इस प्रकार चमकेगी कि आपके जलने वाले आपसे जलते रह जाएंगे और आप किस मुकाम पर पहुँच जाओगे इसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा पाओगे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि आपको इन तीन गलतियों को नहीं करना है। दोस्तों जीवन में जो आप बड़ी गलतियां करते हैं, कहीं ना कहीं आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखनी है कि इस बात के बारे में किसी को पता ना चले, क्योंकि दोस्तों ये जो बात है वे बेहद ही खास है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दूँ कि आप कई बार कार्य करते हैं उसमें आप बेहद ही संकोच ही हो जाते हैं और आपके विचारों में भरा हुआ रूप सदैव आपकी प्रगति के पथ पर बाधाएं डालता रहता है। इसी के साथ दोस्तों कल्पना के बाद उस चीज पर अमल जरूर करें। दोस्तों सीढ़ी को देखते रहना है तो जीवन में काफी नहीं है, उन पर चढ़ना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों इसी के साथ ही सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आपके जीवन में ये पांच बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, ताकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे और भोलेनाथ आपके जीवन में आने वाली सारी मुसीबत, सारे कष्टों को, सारे दुखों को आपके जीवन से हटा दे। तो जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो खास समय है वे बेहद ही बेहतरीन है और आपके पास दिन में कौन से बड़े बदलाव आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आज आपको थोड़ा सावधान रहना है, कुछ कामों को करके आपको खुशी के साथ साथ गम भी मिल सकता है। आप धैर्य और विवेक का उपयोग करके किसी भी समस्या को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। लेन देन संबंधी मामले या फिर समय कम्प्लीट हो सकता है। सकारात्मक बने रहने का प्रयास करें। इसमें आकर आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। कोई अप्रिय समाचार मिलने से मन उदास हो सकता है। युवा वर्ग अपने किसी खास कार्यक्रम में व्यवधान आने से तनाव मुक्त रह सकते हैं। दोस्तों किसी शांतिपूर्ण तरीके से समाधान मिल सकता है। व्यावसायिक लोगों के संपर्क में रहेंगे, इससे आपका फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से अविघ्न ना रहें। ऑफिस में कोई ऐसी गलती या फिर चूक हो सकती है जिससे आपको अधिकारियों की डांट का सामना करना पड़ सकता है। दिन बहुत सकारात्मक होगा। शुभ चिंतक का आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके लिए वरदान हो सकती है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में रुझान रहेगा। दूसरों के प्रति सेवा भाव बना रहेगा। अपने व्यक्तिगत मामला खुद ही सुलझाएं, दूसरों से उम्मीद ना रखें। अपनी कोई योजना किसी के सार्वजनिक करने का नुकसानदायक हो सकता है। आर्थिक मामलों में सूझबूझ और सोच विचार करने की जरूरत है। किसी प्रकार का विश्वासघात या फिर धोखा हो सकता है। व्यवसाय संबंधी कार्य प्रणाली में बदलाव और विस्तार संबंधी योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। युवा लोगों को करियर संबंधी महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। कमीशन वाले बिजनेस में सफलता मिलने के योग हैं। ऑफिस में काम का दबाव कुछ कम हो जाएगा। परिवार वालों के बीच सामंजस्य का अभाव रहेगा। व्यवसाय संबंधों का असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है, इसलिए ऐसे संबंधों से दूर रहें उचित रहेगा। मौसम में बदलाव संबंधी कार्यों की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। संतोषजनक ग्रह स्थिति है, कोई रुके हुए काम को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। बेहतरीन के लिए दोस्तों आपको सकारात्मक बदलाव मिल सकता है। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से समाज में संबंधियों में उचित स्थान बना रहेगा। इस बात का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है कि आपकी गतिविधियों और योजनाओं की कोई कॉपी कर सकता है जिससे आपको नुकसान होगा। किसी नज़दीकी व्यक्ति से अचानक किसी मुद्दे पर वाद विवाद होने से परहेज करें। शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलझाना उचित रहेगा। छोटी सी गलती का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। थोड़ी सी दोस्तों इसमें आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहद और बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है।
इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, श्वास संबंधी जो दिक्कतें थी वह अब सही हो सकती हैं। घर के किसी व्यक्ति के साथ में उसके श्वास को लेकर के चिंता भी रह सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होगा आपको बता दूं, काम संबंधी भागदौड़ इस समय बढ़ सकती है। काम भले ही प्रगति की ओर जा रहा है, फिर भी सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करने से शारीरिक तकलीफों का मामला करना पड़ सकता है। दोस्तों, मन के साथ साथ शरीर को भी आपको आराम देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों, यदि आपकी करियर यानी कि आपकी व्यवसाय को लेकर बात करूं, तो दोस्तों इस समय आपको बता दूं कि कार्य क्षेत्र में काम में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। कुछ अनुभवी व्यक्तियों के साथ में रहकर आपको उनका अनुसरण करना है। शेयर बाजार तथा तेजी मंदी से आपको ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए सावधानी अवश्य रखें। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होगा, कार्य विस्तार की योजना पर अधिक निवेश करने और आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होगा, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय व्यवसाय में सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इस समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होगा, दोस्तों आपको बता दूं कि जीवन साथी तथा परिवार के साथ में घूमने फिरने तथा मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। किसी भी पारिवारिक सदस्य के द्वारा विवाह संबंधी कोई उत्तम रिश्ता भी आ सकता है। दोस्तों, इसके उपरांत इस समय जीवन साथी और पारिवारिक समस्याओं का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रख सकता है। प्रेम संबंधों को भी इस समय विवाह संबंधी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से आप काफी अच्छे रहने वाले हैं। इसके उपरांत आपके लव लाइफ के लिए जो समय होगा, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होगा, दोस्तों आपको बता दूं कि पति पत्नी के बीच में किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। आपसी आत्मविश्वास और प्रेम को बनाए रखना आपके लिए दोस्तों काफ़ी आपकी लव लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी रहने वाला है। इस समय दोस्तों, यदि आपके स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करूं, तो खांसी जुकाम और एलर्जी जैसी दिक्कतें रह सकती हैं। ठंड से अपना बचाव करें तथा दोस्तों प्राकृतिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें, अधिक से अधिक उपयोग करें। ये दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होने वाला है। और इसके उपरांत दोस्तों, यदि आपकी बता दूं कि आपको थोड़ा सा गैस वायु आदि की वजह से जोड़ों में दर्द और बेचैनी की समस्या भी रह सकती है। अपने खान पान को व्यवस्थित रखना इस समय आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।